प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी बाय शक्ति चटर्जी। टुडे आई हैव गिवन ए सिंपल मेंसुरेशन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में एक हेक्सागन और एक स्क्वायर का परिमाप समान दिया है 120 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया ये दोनों का क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है इसका सभी साइड समान होगा, सब एंगल समान होगा। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन और वर्ग का परिमाप समान है 120 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस इन एरिया, दोनों का क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा लेंथ ए बी सी डी ई एफ इज द रेगुलर हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ इज द रेगुलर हेक्सागन और पी क्यू आर एस इज द स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी क्यू आर एस ए क्वेश्चन में जैसा दिया ऐसा ही ड्रॉ किया हुआ है। मान लीजिए, तो हम जानते हैं पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। देयरफॉर हेक्सागन का छह साइड आए, 6 इंटू साइड इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हेक्सागन का होगा। देयरफॉर साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 120 बाय 6 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड 120 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 120 बाय 4 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ हेक्सागन रूट 3 बाय 4 साइड स्क्वायर इंटू 6। देखिए, एक हेक्सागन को हमने ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट किए, बी से ई को ए डी और एफ सी यानी डायगोनल ज्वाइन करने के बाद मुझे 6 इक्वल ट्रायंगल मिला। 1 2 3 4 5 6 क्यों मिला है? हेक्सागन का इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है और इसको जब बाइसेक्ट करेंगे 60, ए भी 60 हो गया ऑटोमेटिकली, ए वाला कोण भी 60 होगा। सब सेंटर एंगल सब मिला के अगर कीजिएगा तो 360 होगा। तो इंडिविजुअली एक एक तो इक्वल ट्रायंगल यानी संभव त्रिभुज निकलेगा। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ 6 संभव त्रिभुज है तो रूट 3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर इंटू 6 मैंने वही लिखे हैं। तो व्हेन हेक्सागन इक्वल टू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हम करके दिए जो बोला हुआ है, देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन 6 इंटू रूट 3/4 20 साइड मुझे यहाँ सर मिल गया। इसके बाद क्या हो गया, कट हो गया तो 5/20 × 500 एंड रूट 3 का वैल्यू होता 1.732। 6 का मैंने ये लिखा, मल्टीपल करने के बाद मुझे 1039.2 स्क्वायर मीटर लिखा, स्क्वायर सेंटीमीटर मिला मुझे, स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट जरा ठीक से लिखिएगा। एंड डिफरेंस इन अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे साइड इंटू साइड 30 × 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 900 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आस्किंग द डिफरेंस इन एरिया इक्वल टू 1039.2 माइनस 900 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 139.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या किए हैं आप देखें, सबका इन डिटेल्स किए हैं। डिटेल्स करने के बाद उसको आराम से जैसा क्वेश्चन मांगा है उसी ढंग से बनाए और आंसर कर दिए। यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।